नवंबर का महीना बीत चुका है और अब भारत के उत्तरी क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसमें देश के उत्तरी तराई क्षेत्र से लेकर मध्य भारत तक ठंड का प्रकोप काफी खतरनाक होगा, जहां पारा सामान्य से 4 डिग्री नीचे तक चला जाता है और इसी के साथ ही पूरा उत्तरी भारत कोहरे की चपेट में आ जाता है। यह कोहरा पंजाब से लेकर बिहार तक के पूरे क्षेत्र को पूरी तरीके से अपने आगोश में ले लेता है और इसका सबसे बड़ा नुकसान भारतीय रेल को होता है, जहां इस कोहरे की वजह से न केवल मालवाहक तथा यात्री गाड़ियों के परिचालन में स्थिरता आ जाती है, बल्कि सबसे ज्यादा परेशानी यात्री गाड़ियों में सफर कर रहे यात्रियों को होती है, जहां मेल और एक्सप्रेस ट्रेन कई घंटों की देरी से चलना शुरू हो जाती है। अगर बात करें भारतीय रेल की तो भारतीय रेल का उत्तर मध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा, जो कि अलीगढ़ से लेकर मुगलसराय एवं भरतपुर आगरा से लेकर मुगलसराय तक का क्षेत्र है, जिसमें झांसी मानिकपुर रेल प्रखंड भी शामिल है, इस कोहरे की मार को जूझता रहता है। कोहरे इस प्रकोप से बचने के लिए उत्तर मध्य रेलवे द्वारा कई अत्याधुनिक तकनीकों एवं उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसमें ड्राइवर को कोहरे में देखने के लिए इंफ्रारेड सिस्टम, GPS कंट्रोलिंग सिस्टम से लेकर ऑटोमेटिव सिग्नल सिस्टम तक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर मध्य रेलवे हिमांशु शेखर उपाध्याय द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि कोहरे के कारण न केवल ड्राइवरों को बल्कि स्टेशन स्टाफ द्वारा भी रेल परिचालन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोको ड्राइवर को जब तक पास न आ जाए सिग्नल नहीं दिखता, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। रेलवे का पहला मोटो है संरक्षण, यानी कि लोगों की सुरक्षा, और कोहरे के कारण इसमें काफी व्यवधान उत्पन्न होता है। इस बार रेलवे द्वारा कोहरे से बचाव करते हुए सुरक्षित परिचालन के लिए सभी रनिंग स्टाफ, जिसमें स्टेशन मास्टर से लेकर लोको ड्राइवर तक शामिल हैं, उनके साथ काउंसलिंग की गई है तथा सेमिनार का आयोजन कर किस प्रकार की सावधानियां बरती जाए इस विषय में ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा पूरे प्रखंड में जहां जहां ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था है, वहां उसे मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम से लैस करने की प्रक्रिया चालू है। लाइन मार्क एंड रिफ्लेक्टिंग सिग्नल्स एवं स्पीड कंट्रोलिंग रिफ्लेक्टर लगाने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि घने कोहरे के अंदर ड्राइवर को परिचालन करने में कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा इंजन के अंदर कोहरा नियंत्रण सेट डिवाइस लगाए जा रहे हैं, जिससे ड्राइवर को 1 किलोमीटर पहले से ही किस प्रकार की सिग्नल आगे उपलब्ध है की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यह GPS मैपिंग से चलाई जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि सबसे बड़ी दुर्घटनाओं का कारण ट्रक के आसपास विचरण करने वाले जानवर एवं बिना किसी सुरक्षित स्थान से मानव द्वारा रेलवे ट्रैक पार करना है, और क्योंकि अब इस्तेमाल किए जाने वाले लोकोमोटिव इंजन का रात्रि में स्पीड 130 किलोमीटर तक निर्धारित कर दिया गया है तथा गुड्स वैगन्स की स्पीड 60 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की स्पीड तक चलती है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं आम हो जाती हैं। कोहरे को देखते हुए रात्रि में मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड 70 से 75 किलोमीटर एवं मालगाड़ियों की स्पीड 50 से 70 किलोमीटर के बीच निर्धारित कर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही लोकोमोटिव के ड्राइवर इसकी भी छूट दी गई है कि यदि आगे ट्रैक पूरी तरीके से दृष्टिगोचर हो तो वह अपनी स्पीड आवश्यकता के अनुसार घटाया बढ़ा सकता है। लोगों द्वारा रेलवे ट्रैक को जहां तहां से संपार करने की वजह से एवं जानवरों का ट्रैक के आसपास होने की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती है, इसके लिए रेलवे ट्रैक में ट्रैक सर्किट इन सिस्टम को लगाया जा रहा है, जिसमें GPS के माध्यम से ड्राइवर को सूचना मिल जाती है कि आगे ट्रैक में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट खड़ा या रखा तो नहीं गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि तेज रफ्तार से आ रही मेल एक्सप्रेस ट्रेन या मालगाड़ियों के लोकोमोटिव उनसे टकराकर किसी बड़ी दुर्घटना ना कर बैठे। गौरतलब हो कि पिछले एक वर्ष में पूरे भारतवर्ष में लगभग 1600 रेल दुर्घटना को लिस्टेड किया गया था, जिसमें बिना रेल गेट और अनधिकृत रूप से संपार करते हुए लगभग 2000 से ज्यादा पशुओं एवं मानवों की मृत्यु हुई है, जिसमें कोहरे की वजह से लगभग 326 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 645 पशु एवं मनुष्य की जान गई है। यह आंकड़ा पूरे भारतवर्ष का है एवं यह मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग या फिर जंगली इलाकों का है, जहां पर कि जब कोहरा पड़ता है तो विजिबिलिटी, दृश्यता कम हो जाती है, और जो भी लोगो पायलट ट्रेन चलाते हैं, स्टेशन स्टाफ जो ट्रेन मॉनिटर करते हैं, वॉच करते हैं, वो ठीक से कर नहीं पाते, क्योंकि ट्रेन ड्राइवर्स को सिग्नल दिख नहीं पाते हैं, ज़्यादा दूरी से सिग्नल नहीं दिखते, बहुत नज़दीक पहुँचने पर सिग्नल दिखते हैं, दृश्यता बहुत बाधित होती है तो एकदम पास आने पर सिग्नल दिखाई देते हैं, जिसके कारण स्पीड बाधित होती है। और कोहरे के समय में हमारा मुख्य उद्देश्य होता है संरक्षा, सेफ्टी बनाए रखना, सेफ्टी इज़ आर फर्स्ट प्रायोरिटी इन फॉगी वेदर। और उत्तर मध्य रेलवे पूरी तरह से फॉग अफेक्टेड एरिया में आता है, क्षेत्र में आता है, इसलिए हमने विभिन्न तैयारियां की हैं,
जो हमारे कोहरे से संबंधित गाड़ी चलाने के परिचालन के नियम हैं, सारे रनिंग स्टाफ को, स्टेशन मास्टर्स को, ड्राइवर, गार्ड, पॉइंट्समैन, ये जितने रनिंग से रिलेटेड लोग हैं, सबको कोहरे के मौसम में गाड़ी चलाने में क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या नियम अपनाने हैं, इसके बारे में काउंसलिंग किया गया है। दूसरे, जहाँ जहाँ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है वहाँ पर मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। टेस्टिंग सारी कंप्लीट कर ली गई है, सभी सिस्टम ठीक काम कर रहे हैं। उसके अलावा विभिन्न प्रिकॉशन और बरतते हैं, जैसे लाइन मार्किंग करना सिग्नल के पहले, रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स लगाना, ये सब हम कर ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक जो नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो है फॉक्सेप डिवाइस। ये फॉक्सेप डिवाइस एक्चुअली ड्राइवर जो है अपने लोको के कैब में रखता है। ये GPS मैपिंग पे बेस्ड होती है, जिसमें हर आने वाले सिग्नल के बारे में पहले से ही ड्राइवर को सूचित कर दिया जाता है कि आगे करीब 1 किलोमीटर पहले से ही ड्राइवर को पता होता है कि आगे हमें कौन सा सिग्नल आने वाला है, ताकि ड्राइवर पहले से अलर्ट हो जाए और सिग्नल को देख के उसी हिसाब से गाड़ी अपनी चलाए। सर, इसमें सबसे एक जो मुख्य परेशानी होती है, जो मैनुअल फोकसिंग होती होगी, ट्रैक पे कभी कभी जानवर भी आ जाते हैं और लोग भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, तो इनको किस तरीके, इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो ट्रैक पे है ट्रेन की, वो 130 KMPH है, 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, और मालगाड़ियाँ 60 से लेके और 100 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन फॉगी वेदर में दृश्यता चूँकि बाधित होती है, इसलिए 60 KMPH मैक्सिमम स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, कभी कभी 75 KMPH पर भी जाती हैं, बट यह है कि वो मैक्सिमम है। बाकी ड्राइवर के विवेक पर निर्भर करता है, उससे कितना कॉन्फिडेंस है, कितना उसे दृश्यता उसके हिसाब से है, उसी हिसाब से वो अपनी गाड़ी चलाता है। तो कोहरे के मौसम में गाड़ियों के परिचालन की, चलाने की स्पीड धीमी करके हम ये चीज़ सुनिश्चित करते हैं। उसके अलावा ट्रैक्स पे ट्रैक सर्किटिंग होती है, यदि कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है कि ट्रैक ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो ट्रैक से ट्रैक ड्रॉप होता है, जिससे सिग्नल ऑफ ऑन हो जाते हैं, सिग्नल रेड हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है जो हमारा हमें प्रोटेक्ट करता है।